ओके नमस्कार। को मैं दिखाई सुनाई दे रही हूं। मुझे एक सेकंड है। आज हम पढ़ेंगे अगे की बहुत इंपॉर्टेंट कविता। ठीक, एक सेकंड। हाँ सॉरी। ठीक है, मेरी आवाज आ रही होगी। माइक यही रहने देते हैं। ठीक, आ जाओ भाई सब क्लास में। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा बस चेक कर लूँ। सॉरी फॉर बीइंग लिटिल लेट। एक्चुअली नॉट लिटिल, मुझे पता है बहुत। नमस्ते बेटा। नमस्ते, मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है ना? थोड़ा सा देर हो गया, माफी। एक्चुअली क्लास मुझे थोड़ी पहले ही करनी थी, बट बच्चे हैं जिनको पीएचडी करनी है, उनसे थोड़ी सी डिस्कशन होने लगी। तो आज हम पढ़ेंगे अगे की एक बहुत महत्वपूर्ण कविता, आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, जो भी परीक्षा है आपकी, चाहे वो यूजीसी नेट हो, एचपीएससी हो, यूपीएससी, सब लिहाज से ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम दो कविताओं को पढ़ेंगे अगे की। कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा अपने समग्र रूप में से क्लियर करते हुए चले। तो मैं कुछ बेसिक फैक्ट के साथ हम कविता के का एक विहंगा अवलोकन ही करेंगे थोड़ा ठीक से, और उसके बाद दूसरी कविताओं को भी, दूसरी जो कविता है, हम दोनों को ही कोशिश करेंगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये कविता है आपकी साध्वी वीड़ा, बहुत चर्चित कविता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबने कम से कम ये कविता देखी पढ़ी तो होगी, अगर डिटेल पढ़ी नहीं होगी तो इस कविता के बारे में जानते होंगे, क्योंकि अगर आपने एक भी बार प्रश्न मतलब नेट की या फिर किसी भी चीज की तैयारी करी है तो महत्वपूर्ण है। और एक साथ के नाम वाली जो मैं रचनाओं का संकलन करने को कहती हूँ ना, उसमें ये भी है, जैसे राष्ट्रीय बीड़ा, साध्वी बीड़ा, स्वर्गीय बीड़ा। ठीक है, तो ये सारी, और केवल बीड़ा, इस तरह की रचनाओं में हमें एक इंटरेस्टिंग नाम भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो शुरू कर रहे हैं हम साध्वी बीड़ा। 1961 में ये कविता आती है, और ये कविता अज्ञेय की ही जो कविता संकलन है, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार बहुत महत्वपूर्ण कविता संकलन है। नमस्ते अंजलि, उसमें ही ये कविता संकलित है। ठीक, आंगन के पार द्वार बहुत इंपॉर्टेंट है। आंगन के पार द्वार को अगर पढ़ा जाए तो तीन भागों में जो है पूरी की पूरी कविता संग्रह विभाजित है, जिसमें तीसरा भाग जो है में असाध्य वीड़ा है। ठीक है,
यह कविता अल्मोड़ा में 1961 में लिखी। अब ये बहुत यावर किस्म के इंसान रहे हैं, उन्हें बहुत सारी यात्राएं करी। गुड, पढ़िए, बहुत अच्छी बात। इसे मुझे पढ़ाना थोड़ा ज्यादा सहज होता, मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी, मुझे लगा शायद नहीं है इसलिए मैसेज किया। नहीं कोई नहीं बेटा, मैं एक रिमाइंडर में डालना चाह रही थी, पर मुझे लग रहा था अभी संवाद खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा तो फिर तुरंत क्लास ऑन कर लेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली जो टाइम था वो 9:30 था, 9:30 तक मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी कीमत पे आ जाऊं, तो वो थोड़ा सा डिले हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, हम कह रहे थे कि कविता पढ़ी होगी, अगर आप पढ़े होते हो ना तो एक संवाद करने में ज्यादा आसान रहता है, बात करने में, अपनी बात रखने में थोड़ा आसान रहता है। और आपको पढ़ने के बाद ना, जब आप समझते हो कविता या कहीं से उसका भावार्थ पढ़ते हो, कविता का मर्म समझने की कोशिश करते हो, तो अगर एक बार कविता रीडिंग किया हुआ है तो उससे ज्यादा जो है वो कैच होता है, आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं होती है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कविता है, ऐसे तो सामान्यतः ये सब हिंदी में लिखी हुई कविता है, यदि आप पीरा के भी पद पढ़ रहे हो, कबीर को पढ़ रहे हो, रहीम को पढ़ रहे हो, किसी को भी पढ़ रहे हो, आपको पहले क्या करना है, एक बार केवल कविता पढ़िए। सामान्य तरीके से केवल आपको कविता पढ़नी है, कुछ उसका उसमें अर्थ खोजने की कोशिश नहीं करनी है, कुछ नया चीज नहीं खोजना है, केवल कविता पढ़ना है। हमारी क्या आदत होती है ना, हम कविता पढ़ते हुए ही सोचते हैं कि चलो इसका अर्थ देख लें, या फिर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है वो भी फैक्ट याद करते हुए चले। नहीं, पहली बार जब कविता से आप रूबरू हुए तो केवल कविता पढ़ें, ठीक है, रीडिंग लगाएं, बच्चों की तरह रीडिंग लगानी है आपको। उसके बाद दोबारा जब आप कविता पढ़ेंगे तो आप पेन और पेंसिल लेकर के पढ़ेंगे, ठीक। उसमें आपको फिर क्या करना है, कौन कौन सा शब्द जो है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा शब्द आपको थोड़ा सा आकर्षक लग रहा है, कौन आप समझ ले रहे हो, इसको अर्थ लिखते हुए चलना है, और जो नहीं समझ पा रहे हो उसको अंडरलाइन करते हुए चलना है, ठीक है। फिर जब उसके बाद जब आप क्लास करते हो या भावार्थ पढ़ते हो या कहीं टेक्स्ट से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर देखना तीसरी बार में वो कविता आपको एकदम शीशे की तरह आपके भीतर उतर जाएगी, और उसके बाद आपको उसका व्याख्या, अर्थ या कविता का मर्म कहीं और से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये है आपका टेक्स्ट पढ़ने का यह तरीका होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी दूसरा, मैं आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट ना याद नहीं करा सकती, और ना मैं ये कहूंगी कि आप पूरा का पूरा टेक्स्ट याद करो, ठीक। लेकिन अगर केवल 2 से 3 बार आपको कविता रीडिंग ही करनी है, किसी भी बार याद नहीं करनी है, जब रीडिंग करोगे जिस मेथड से हमने भी डिस्कस किया है उस मेथड से रीडिंग करोगे, तो आपको मेरा, अगर मैं 100% नहीं कर सकती हूँ, डेटॉल की तरह 99% कह सकती हूँ, कविता जो है आप काफी हद तक उसको कैप्चर कर लोगे, ठीक है। तो कभी ट्राई करके देखना, ये ट्रिक भी है। मैम बहुत देर, मैम क्या आप एल्को से हैं? बेटा ये तो बहुत निजी सवाल है, पर बस यही समझ लो, यूपीएससी के थ्रू ही अपॉइंटेड हुई हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही संबद्ध कॉलेज है, तो इतना काफी है। हेलो मैम, हाउ आर यू मैम जी? अच्छी हूँ मनु, और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। मेरा बच्चा पढ़ते हुए ही मुझे सबसे अच्छा लगता है, तो आप लोग पढ़ो, कैसे भी हो पढ़ो, हर तरीके से बस पढ़ाई जारी रखनी है। इस समय बिल्कुल भी कहीं लूज नहीं पढ़ना है, कोई कुछ भी कहे कि अभी टाइम है परीक्षा में, कुछ भी नहीं किसी का सुनना है, बस पढ़ाई करनी है। रोज 4 घंटे 5 घंटे आपको पढ़ना ही है, मैं बहुत देर कह भी नहीं रही हूँ, मिनिमम आपको 4 से 5 घंटे लेकिन पढ़ना है, ठीक है। बाकी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैंने मेल भी आपको दिया है क्लास में, आप मुझे मेल कर सकते हो पढ़ाई में कोई भी समस्या हो रही है। बाकी डाउट सेशन तो हम करते ही हैं। आते हैं कविता पर। यह कविता अल्मोड़ा में लिखी गई 1961 में, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि अज्ञेय बड़े ययावरी किस्म के इंसान, वो कई जगह उन्होंने यात्राएं की है, भारत के अंदर और भारत के बाहर भी बहुत उन्होंने यात्राएं करी।
अज्ञेय क्रांतिकारी भी हैं। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में ना केवल उद्बोधन किया है, बल्कि उन्होंने क्या कहते हैं डायरेक्ट जो है वो उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रतिभाग भी किया है। अज्ञेय पढ़ने के लिखने के बड़े सजग और चतेरे इंसान है। अज्ञेय की जो लेखन शैली है वो बहुत ही विरली है। दर्शन का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, पाश्चात्य दर्शन हो। अच्छे मनोवैज्ञानिक रहे हैं इनकी इनके जब आप निबंध पढ़ोगे तो आप समझोगे कि किस प्रकार से मनोवैज्ञानिकता इनके निबंध के केंद्र में आ गई है। जो चंद मनोवैज्ञानिक निबंधकार उपन्यासकार है उसमें अज्ञेय का नाम भी शीर्ष पर है। ठीक है, तो अज्ञेय का जो व्यक्तित्व है ना वो बहुत मझा हुआ व्यक्तित्व है। ऐसे ही किसी यात्रा के दौरान वो अल्मोड़ा में उन्होंने 1961 में ये कविता लिखी, पर इसका बीज जो है वो बहुत पहले ही बोया जा चुका है। अज्ञेय की एक प्रवास, भारत प्रवास की जो यात्रा रही है, मुझे ऐसा लगता है जापान की यात्रा होगी, क्योंकि जापान से सॉरी जापान से आगे बहुत कुछ लेकर के आए। जैसा कि पता है कि इसका भी स्रोत जो है वो चीनी या जापानी लोक कथा है। ठीक है, अज्ञेय जापान से हाइकू भी लेकर के आते हैं। आपको पता होगा हाइकू मतलब तीन लाइन में जिसमें केवल कविता होती है। ठीक है, तो असाध्य वीड़ा, असाध्य मतलब जिसको साधा ना गया हो, साधा ना जा सके, वो असाध्य है। ऐसी वीड़ा जिसको साधा नहीं किया है, मतलब वीड़ा को साधना क्या है, वीड़ा को बजाना, जिसको बजाया ना जा सका गया हो वही असाध्य वीड़ा है। इस कथा का स्रोत क्या है, चीनी जापानी लोक कथा। मतलब यह है कि ये कथा जो है वो चीनी और जापानी दोनों ही जगह प्राप्त होती है। इसका एक और आशय है, देखो चीनी और जापानी दोनों ही जगह बौद्ध का बड़ा प्रभाव है, और जब आप ये कविता पढ़ोगे तो इसमें बौद्ध धर्म की तत्था, बौद्ध धर्म का जो सत्य की खोज या कला के प्रति समर्पण, सत्य के प्रति समर्पण, ठीक है, ये जो बौद्ध धर्म का प्रभाव है भी वो इसमें बहुत दिखाई पड़ता है। तो यह बहुत ज्यादा ऐसा संभव है कि चीनी और जापानी दोनों जगह ही ये लोक कथा मानी जाती होगी। ठीक है, एक द बुक ऑफ टी, ठीक है, ओकाकुरा एक लेखक है, उनकी पुस्तक है द बुक ऑफ टी, यही इसी में ये पूरी जो कथा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई भी बात नहीं, आप मुझसे आपको देखो कोई सवाल कोई निजी तौर पे होंगे, ठीक है, मैं बिल्कुल आप सबका उत्तर देती हूँ, पर ऐसा कोई मसला नहीं, मेरा भी ऐसा कोई मंतव्य नहीं था। तो हाँ ओकाकुरा की पुस्तक है द बुक ऑफ टी, उसी में ये जो पूरी कथा है संकलित है कि किस प्रकार से एक जादूगर है, कह सकते हैं वहां पे एक जादूगर है जिसने एक किरी नामक जो वृक्ष है उससे एक वाद्य यंत्र बनाया है। अब वह वाद्य यंत्र जो है उसके बाद जब वो बनाते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है जादूगर की, पर वह वाद्य यंत्र है जो है वो कभी बज नहीं पाता। अब बड़ी ये चलन है कि इस वाद्य यंत्र को कैसे बजाए, कब बजेगा, तो एक पीवो नाम का व्यक्ति आता है जो उस वाद्य यंत्र को अंततः बजा लेता है या साध लेता है। इसी कथा का भारतीयकरण किया है अज्ञेय ने, ठीक है, भारतीय रचनात्मकता के साथ, भारतीय विशेषता के साथ, भारतीय कथा के साथ और भारतीय पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने ये कथा पूरी रची है। तथा का विसर्जन 19 पदबंध में पूरी पूरी कविता है। अब कविता में इम्पोर्टेंट क्या है, प्रतीक क्या है, किरीट तरु जिससे वह वीड़ा बनाई गई है, जिससे वह वाद्य यंत्र बनाया गया है वह किरीट तरु है। अब किरीट तरु क्या है, परम सत्य का प्रतीक है। ठीक, वही संगीत, संगीत जो है जो कला है वह है परमात्मा की अभिव्यक्ति, कला जो होती है वो परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ पे
बताया गया है। अगला, बौद्ध दर्शन का प्रभाव ये तत्ता है, ठीक है। तत्ता मतलब बाहर से भीतर की ओर का प्रवेश, व्यक्तित्व का, दर्शन का, परम सत्य की, ज्ञान का बाहर से भीतर की तरफ का प्रवेश है, और जैन संप्रदाय का भी प्रभाव यहाँ पर दिखेगा। वीणा जो कि किरीट तरु से बनाई गई है, जिसका निर्माण इस कविता में वज्र कीर्ति नामक राजकुमार ने किया है, जो कि वहां पे जादूगर है। और इसको साधता कौन है, वीणा को बजाता कौन है, वो है प्रियंवत केस कंबली, उसका पूरा नाम है, जो कि पीवो है। पीवो का जो चरित्र है उसका नाम भारतीकरण जब किया तो उन्होंने प्रियंवत रखा, ठीक है। तो अब हम इस कविता के मूल टेक्स्ट पर आते हैं। कविता जैसा कि भूमिका से स्पष्ट है, ये एक ऐसी वीणा है, वज्र कीर्ति नामक बड़े विद्वान है, संगीत प्रेमी है, बहुत बड़े कला के ज्ञाता। उन्होंने किरीट तरु नामक वृक्ष से, किरीट तरु भी ऐसा है जो बहुत प्राचीन वृक्ष है, ठीक है, जिसको जीवन के कई अनुभव हैं, ऐसे वृक्ष से एक वीणा बनाता है वज्र कीर्ति। लेकिन वीणा को जैसे वैसे वीणा बनती गई और वैसे वैसे वज्र कीर्ति का भी जीवन लीला समाप्त हो गई, और वह वीणा जो कि शायद वज्र कीर्ति ही बजा सकते थे, वह अब असाध्य रह गई। वंश दर वंश बदलता गया, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन वह वीणा कोई बजा नहीं पाया। अंततः कई राजा महाराजों ने कोशिश करी, फिर एक राजा आते हैं, वह भी बड़ी कोशिश करते हैं कि वीणा किसी तरह बजा दी जाए। कला प्रेमी है, निश्चय ही घोषणा कर देते हैं हर जगह कि कौन आकर के, कोई भी जो आकर के वह वीणा को बजा सके। घोषणा दूर दूर तक गई है, कई सारे लोग आते हैं और वीणा को बजाने की कोशिश करते हैं, लेकिन निश्चय ही वीणा बज नहीं पाती। ऐसे में प्रियंवद जो कि दूर गुफा में रहते हैं, भौतिकता से दूर साधना की अवस्था में वह गुफा में रह रहे हैं, ठीक, वह आते हैं और फिर वह वीणा को बजाने का सारा प्रयास करते हैं, और अंततः वीणा जो है वह बज जाती है। इस सुंदर कथा को कितने रचनात्मक तरीके से अज्ञेय ने हमारे सामने व्यक्त किया है, भाई वो पूरी कथा है। कहते हैं, आ गए प्रियंवद गुफा गे गुफा केश कम्बली। प्रियंवद साक्षात आदर सूचक शब्दों के साथ यह प्रकट करता है, यह बात दृष्टव्य है इसे, कि जो राजा है, यह राजा का कथन है, राजा संगीत का आदर करता है, कला प्रेमी है और कला का सम्मान करते हैं, तो वह बोलते हैं प्रियंवत गुफा गे केस कंपली, आ गए प्रियंवत केस कंपली गुफा गे, थोड़ा मतलब प्रियंवत उनका नाम है केस कंबली, अब उनका नाम जो है वो केस कंबली पड़ गया है, ऐसा हो रहा है कि वो उनके जो केश है ना, बाल हैं, वो इतने बड़े हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो केशों का कंबल धारण किए हुए हैं, ठीक, या फिर यह हो सकता है कि उनका जो कंबल है वो केशों से बिल्कुल जड़ा सूटा है, कि अलगाव जो है प्रतीत नहीं हो रहा, ठीक है। गुफा पुरानी गुफा ही जिसका गेह है घर, गुफा ही जिसका घर है, तमाम सांसारिकता भौतिकता से दूर ऐसे प्रियंवद वो आ गए हैं। राजा ने उनको आसन दिया, राजा ने उनको सम्मान पूर्वक बुलाया और क्या कहा कि कृत कृत हुआ मैं तात, मैं बहुत ही आपका परोपकारी हूँ। आदर सूचक शब्दों के साथ कहते हैं कि आप यहाँ पर पधारे, बड़ा नाम होगा निश्चय ही प्रियंवद का उस समय। राजा का ये पूर्ण समर्पण है प्रियंवद के प्रति, और साथ में कहते हैं भरोसा है साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। राजा जो कि कला प्रेमी है, वह हमेशा से प्रयास करा होगा कि वीणा जो है वो किसी तरीके से बज चुकी, लेकिन तमाम लोग आते हैं और उसे बजा नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं राजा की अब जीवन का ध्येय बन गया है कि किसी भी तरीके से वीणा जो है वो बोल उठे। इतने जैसे ही वो आते हैं, तुरंत लघु संकेत, तुरंत एक सूक्ष्म संदेश संकेत समझ लेते हैं कौन गढ़, ठीक, और लाए असाध्य बीड़ा। साधक के आगे रख को हट गए सभी की उत्सुक आंखें, एक बार बीड़ा को लख टिक गई प्रेमवत के चेहरे पे। ये एक सामान, क्योंकि ऐसा देखने में लग रहा है ना कि यह दिनचर्याओं का होगा,
क्योंकि कोई भी साधक आता होगा और राजा फिर बोलते होंगे, वह तुरंत जो गढ़ है एक और उत्साह के साथ वह बीड़ा को सामने ले आते होंगे। इस बार भी जब प्रेमवध आए तो जो वहां पे गढ़ है उनके जो कार्य करने वाले हैं उन्हें समझना नहीं पड़ा, वो तुरंत समझ गए कि अच्छा ये इसीलिए आए हैं। और उन्हें बिना राजा के बहुत ज्यादा समझाए उन्होंने लघु संकेत बस कहा और उन्होंने वीड़ा ला करके रख गया। और जैसा कि शायद हर बार होता होगा, वीड़ा रखते ही लोग की आंखें एक बार फिर से उत्साह से भर गईं कि अब शायद वीड़ा, क्योंकि राजा इतना, राजा का जो सम्मान है, राजा का प्रेमवत के प्रति जो सम्मान है उससे देख करके लोगों में और उम्मीद जगी होगी। और इसके बाद लोग वीड़ा को देखते हैं और फिर प्रेमवत को देखते हैं। फिर यह वीड़ा उत्तराखंड के गिर प्रांत पर से घने घने वनों में जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्रकीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे अपने। अब यह वीड़ा का सूक्ष्म थोड़ा एक सा परिचय दिया जा रहा है कि वीड़ा कैसी है। वीड़ा जो है उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से, उत्तराखंड के पहाड़ों से आई है। इसका एक और तात्पर्य है, कहा जाता है कि उत्तराखंड की, भारतवर्ष में उत्तराखंड की जो संस्कृति है ना वो सबसे प्राचीन है। ठीक, तो प्राचीनता या पुरातनता से और जोड़ने के लिए भी यह प्रयोग किया गया है। ठीक, ये घने वन जहां पे सबसे प्राचीन, वहां पे जो देव भूमि कहते हैं, जहां पे देवों का निवास होता है, वहां पे व्रतचारी तपस्या करते थे। मतलब ऐसे व्रतचारियों की तपस्या करने से वह भूमि, वह ओज जो है उस भूमि की पवित्रता निश्चय ही और बढ़ गई है, वहीं से आई है। लेकिन कहते हैं कि बहुत ज्यादा तो हम नहीं जान सके क्योंकि बहुत पहले आई है। कहता है जो इसके बारे में कथा प्रचलित है उसको वो आगे जोड़ते हुए कहते हैं कि वज्रकीर्ति ने तमाम मंत्रों के द्वारा, विद्वान वज्रकीर्ति ने तमाम मंत्रों के द्वारा, मंत्रोच्चार के संग तमाम अपनी साधना के द्वारा एक बहुत प्राचीन, अति प्राचीन किरीट तरु, जिसके पास जीवन के कई सारे अनुभव और गूढ़ रहस्य हैं, उससे इसको, इस वीड़ा को गढ़ा है। वृक्ष जो कैसा है उसके बारे में बताते हैं, छोटा सा झांकी यहाँ पे है चित्रण कि वृक्ष के जिसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे अपने, कंधों पर बादल सोते थे, उसकी किरसी डाले शुंडो हिमयुथों का कर लेती थी परित्राण, वर्षों से पूरे वन में कोटर में बालू भालू बसते थे। मतलब हिम शिखर इतना, उसकी जो शाखाएं हैं वो इतनी ऊंची ऊंची हैं कि वह हिम के शिखरों से जाके मिलती हैं और ऐसा लगता है कि वह आपस में बतिया रहे हैं। उसके बाद कहते हैं उसके कंधों पर बादल आश्रय लेते हैं, इतनी ऊंची डालियां इसे किरीट तरु की है, और उसकी जो है शुंडों से सूड़ों से जैसे उसकी जो डाले हैं वो हिमयुथों का कर लेती, हिमयुथों को जो हिम के एक साथ उसको अपने ऊपर बसा लेती थी, और साथ में कोटर में बालू भालू बसे थे। मतलब वृक्ष के में जो थोड़ा सा गहरा गहरा सा होता है ना उस, वो कोटर होता है, भालू वगैरह का जो रहने का स्थान होता है ना लगभग यही होता है। मतलब कितना बड़ा वह वृक्ष होगा जिसके, जिसमें कई सारे कोटर बने हुए हैं जिसमें भालू रहा करते थे, कि हरी उसके बलकल से कंधे खुजलाने आते हैं। कि हरी मतलब शेर, शेर जो होते हैं वो उसके बलकल से, उसके जो ठीक फिर से नहीं काम कर रहा, धीरे धीरे लगती है। ठीक है, उसे अपने जो कंधे खुजलाने आते हैं, मतलब कितना जुड़ाव है आसपास की प्रकृति का उस वृक्ष से। और लोक जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल सुना है, और उसकी जो जड़ है ये तो उसके शिखर की बात हो रही है। शिखर क्या है, वो हिम शिखर के समान है उसकी, और जो उसकी जड़े हैं वह पाताल तक पहुंच चुकी है। कैसी उसकी गंध प्रवर शीतलता में फड़ टिका नाग वासुकी सोता था। नाग वासुकी जो कि कहते हैं एकदम पाताल में है, पाताल में जो श्रोता है जल का, वहां नाग वासुकी रहते हैं। और जो, वो जो क्या है इसी से फड़ टिका करके नाग वासुकी जो सोता है। मतलब ये कहने का भी एक तरीका है कि अपने आप को जितना इस वृक्ष ने ऊंचा उठाया उतना ही अपनी जड़ों को भी और मजबूत किया है, और
अपने इतिहास को भी और संरक्षण करने का वृक्ष ने अपने साथ प्रयास करता रहा। तो कहते हैं उसी किरीट से वज्रकीर्ति ने, ऐसे वृक्ष से उस वज्रकीर्ति ने कहते हैं सारा जीवन इसे गढ़ा। वज्रकीर्ति का समस्त पूरा जो जीवन है वो इसी बीड़ा को गढ़ने में चला गया। कहते हैं हट साधना थी ये, हट साधना क्या बौद्धों का योगियों का भी है ये भी आप पढ़ोगे तो लगेगा कि यह बौद्ध संप्रदाय बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। बौद्ध दर्शन में हट साधना होती है। अब ये उसकी हट साधना ही थी उस साधक की, मतलब विजिकीर्ति की, कि बीड़ा तो पूरी हुई पर बीड़ा के पूरे पूरे पूरा होते होते इनकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई। इतना राजा रुके सांस लंबी लेकर के। आगे फिर राजा बोलते हैं कि मेरे सब का जो कलावंत है, जितने मैंने बहुत मशहूर बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया लेकिन सबके सामने जो है वो हार गए। मैम ये यूट्यूब पर भी लाइव है क्या? नहीं बेटा ये यूट्यूब पर लाइव नहीं है, यूट्यूब पर एकाध क्लास जो है वो डाली गई होगी। फिलहाल ये जो क्लास है वो यूट्यूब पर लाइव नहीं है। ठीक है। और फिर बोलते हैं सबके जो विद्वान इतने आए, सबके जो विद्या है वो हार गई, अकारण दर्द चूर गए। जाहिर सी बात है जब लोग आते होंगे, विद्वान लोग आते होंगे और ये बोलते होंगे भाई इसमें क्या है, ये तो मैं यूं ही बजा दूंगा और मैं तो बड़ा श्रेष्ठ हूँ अपने आप को तमाम उपमानों के साथ वह लेकर के आते थे, लेकिन वीड़ा को कोई साध नहीं सिखा सका और सबके दर्प जो है घमंड वह चूर चूर हो गए। ठीक है। कोई ज्ञानी गुड़ी आज तक इसे साध नहीं पाया और इसलिए यह वीड़ा जो है अब तक असाध्य है। और वह वज्रकीर्ति से ये निवेदन करते हैं, यह आशा है उनकी वज्रकीर्ति की तरफ से कि अब वह साध लेंगे। कहते हैं वीड़ा बोलेगी अवश्य पर तभी जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। सच्चा स्वर मतलब जिसका कला के प्रति पूर्ण समर्पण होगा। ठीक है। जो कला ही जिसकी सच्ची साधना होगी, सरस्वती की प्रति जिसकी सच्ची साधना होगी वही इस वीड़ा को साध लेगा। अब वह बोलते हैं तात लो, मतलब प्रेमवत को संबोधित करते हैं। अब कहते हैं ये तुम्हारे सामने रखी है कि क्या यह वज्रकीर्ति की वीड़ा है और मैं यह हूं, ये मेरी पत्नी जो रानी है और पूरी सभा है और ये सभा जो है वो एक टक जो है वह प्रेमवत की तरफ देखती है उत्सुकता के साथ, एक नई आशा के साथ वह वीड़ा को देखती है। यह दृश्य जो है देखो तो पढ़ते पढ़ते हमारे मस्तिष्क में ना कुछ बिंब बनते हैं, वह बिंब ही समझने में सहायक होते हैं। अब एक चीज और होती है कि जब आप चीजें लिखने बैठ जाते हो ना, जैसे मैं आप बोलते जा रही हूँ, आप वो अर्थ लिखने बैठ जाओ तो वो बिंब नहीं बनता क्योंकि आपका मस्तिष्क लिखने में लगा हुआ है, तो चीजें कैच नहीं होती आसानी से। ठीक। फिर कहते केश कम्बले गुफा गेहने खोला, कंबल धरती पर चुपचाप बिछाया, वीड़ा उस पर रखकर पलक मोद कर प्राण खींच कर के प्रणाम, अस्पर्श छुअन छुए से तार, धीरे से बोला राजन पर मैं तो कलावंत नहीं शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकह सत्य का साक्षी वज्रकीर्ति। अब देखो यहाँ पे ये भी बताते जाओ, महत्वपूर्ण लाइन भी है कई सारी इसमें, ये तुम समझ रहे होगे। देखो जब अर्थ इसको ऐसा ये काम कर दे, अभी आप अर्थ समझते जाओ, लास्ट में जो जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी उसको मैं दूसरे कलर से भी अलाइन करते जाऊंगी या बीच बीच में ही बताते चलते हैं, क्या ही दोबारा टाइम वेस्ट होगा। कविता के कुछ जो लाइन जो शब्द है वो हूबहू आपसे पूछ लिए जाएंगे, जैसे ये जो लाइन है ये आपसे हूबहू पूछ ली जाएगी। ठीक है। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। अब ये लाइन पूरी कविता देखो, अब ये इस कविता का अर्थ नहीं याद करना पड़ेगा तुमको बेटा, ना कविता का क्रम याद करना पड़ेगा। ठीक। आपने जहां इसका भावार्थ समझा वहां पे ये सारी चीज याद हो जाएंगी। ठीक। अब ये उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे, यही लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम हम आज ही एडमिशन लिए हैं तो कैसे देखे कबीर बिहारी आदि की कविता वाला लेक्चर कैसे देखे बेटा? अभी कबीर बिहारी के वाला लेक्चर हुआ नहीं है, होना शेष है। ठीक है। हम आधुनिक कविता से शुरू कर रहे हैं
और दूसरा जो भी लेक्चर अभी हो चुके हैं वो सारे आपके क्लास में ऑलरेडी अवेलेबल होंगे रिकॉर्डेड फॉर्म। जो भी मैम ये क्लास ले रहे हैं ना, कि आप ये रिकॉर्ड भी हो रहा है आपके क्लास के सेक्शन में पहुंच जा रहा है, तो वहां से वो क्लास आप जितनी पुरानी क्लासेस हैं वो वहां से देख सकती है। ठीक, फोटर में भालू बसते थे ये भी इम्पोर्टेंट है, सारा जीवन इसे गढ़ा ये भी महत्वपूर्ण है, हार गए सब कलामंत ये भी इम्पोर्टेंट है। इस लिहाज से जो कविता है इसमें आप लगभग बहुत सारा महत्वपूर्ण पंक्तियां पाओगे। अब इसको याद करने का सबसे यही अच्छा माध्यम है कि आप इसके अर्थ को भी समझते चलो। केश कम, मैंने स्विच ही नहीं ऑन किया है, सॉरी। केश कमले गुफा के जो प्रेमवध है उन्होंने अपना कंबल, मतलब जिस अपना एक आवरण हटाया बाहर से और चुपचाप उस आवरण को रख दिया और उसके ऊपर वीणा रखी, ठीक है, और करके प्रणाम, अस्पर्श छुवन से छुए तार, ऐसे तार जिसे लग रहा है किसी ने कभी उसको छुआ ही नहीं, मतलब जाहिर सी बात है वह बजी ही नहीं, किसी ने उसको कोई उसको बजा ही नहीं पाया, तो उसके जो तार है ना वह एकदम अनछुए से है, उस तब वीड़ा के भीतर अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है। वह साथ में वह राजा से धीरे से बोलता है कि राजा का बड़ा भरोसा है प्रेमवत पे, राजा आते ही उनको बड़ा सम्मान जिस प्रकार से देते हैं। प्रेमवत उसके उत्तर में एकदम कहता है कि ऐसा है कि मैं कलावंत तो हूं नहीं, मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूं, बल्कि मैं तो अभी भी शिष्य हूं, मैं सीख रहा हूं जीवन से, मैं साधना कर रहा हूं किसका, जीवन के अनगहे सत्य का साक्षी हूं मैं साधना कर रहा हूं, और यह वजकीर्ति की जो बीड़ा है प्राचीन की करु और अभिमंत्रित बीड़ा है। अब ये भी पूछा था एक बार, अभिमंत्रित दे दिया था ऐसे लास्ट के दो तीन लाइन बोल दिया था, बोला था क्रम बोल देखिए, ठीक, तो जब आप अर्थ समझोगे तो आपको क्रम नहीं याद करना पड़ेगा, आप अर्थ समझोगे तो एक शब्द उसको याद नहीं याद करना पड़ेगा, ये शॉर्टकट है याद करने का। बच्चे पूछते हैं कि मैम ये इस तरह का प्रश्न आ रहा है हम कैसे याद करेंगे, मैं तुमको ये नहीं बोलूंगी ना कि ये भी लाइन याद करो, ये भी लाइन याद करो, या ये शब्द इसमें लिखा है ये याद करो, नहीं, ऐसे तुम कितनी कविताओं को याद करोगे। जब आप भावार्थ समझते चलोगे ना तो ये चीजें आपको क्लियर कर देती है, और ये ज्यादा शॉर्टकट तरीका है। हम सोचते हैं कि ये चीज याद कर लेंगे, कविता से 10 पॉइंट याद कर लेंगे तो हमारा याद हो जाएगा, तब वो आपके दिमाग में प्रेशर है ना याद करने का, और प्रेशर से अपने आप को मुक्त करिए। ठीक, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या है ये अभिमंत्रित वीणा, वज्रकीर्ति के साधना पर मंत्रों द्वारा वीणा से सिंचित यह वीणा है, अब कहते ध्यान विवल कर देने वाला है मात्र इनका तुकत, चुप हो गया प्रेमवत सभा भी हो मौन हो रही। इतना कह करके ही प्रेमवत जो है अपनी वाणी को विराम देता है और सभा भी जो है वो एकदम शांत हो जाती है, क्यों, सभा को तो अभी तक यही था ना कि प्रेमवत आएंगे और वह साथ लेंगे, जिस प्रकार से प्रेमवत के बारे में उन्होंने सुना था सभा को बहुत आशय था, लेकिन प्रेमवत का इस तरह से कहना कहीं ना कहीं सभा को मौन कर देता है और निरुत्तर कर देता है। इसके आगे का वाक्य, बाद उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक कर तारों पर मस्तक टेक दिया, सभा चकित, अरे प्रेमवत क्या सोता है, किस कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वादे पर, बीड़ा सचमुच क्या है असाध्य, यह कौन प्रजा सोच रही है, आसपास की प्रजा सोच रही है। प्रेमवत बड़े प्रेम से उठे, राजा से ये कहने के बाद वह बीड़ा के पास गए और बीड़ा को रख करके उसको अपने गोद में रख लिए, और गोद में रखने के बाद उस पर ऐसे लीन हो गए, सामने वाले के दृश्य क्या प्रतीत हो रहा है, वो क्या रहे कि प्रेमवत क्या सो गया, मतलब क्या उसने हार मान ली, और लोग वो बोलते हैं कि अब तो लगता है वीणा जो है वो असाध्य ही रह जाएगी, क्योंकि इतने प्रसिद्ध जो है साधक प्रेमवत भी इसके सामने ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हार मान लिया और घुटने टेक दिए, लेकिन प्रेमवत क्या कर रहा है, पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रेमवत साध रहा था वीणा को, वीणा को उसे को समझने के लिए, वीणा में वह लीन था,
वह सो नहीं रहा था, वीणा में वह अपने आप संपर्क को साध रहा था, वीणा की भावना को समझने की कोशिश कर रहा था, वीणा से हृदय का तार जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह साध रहा था नहीं केवल वीणा को बल्कि स्वयं अपने को शोध रहा था। ठीक है, उस प्राचीन उस विद्वान वृक्ष की वीणा से वह अपने ज्ञान को उसका सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा था। वह बोलता है सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था, किसको? उस किरीट तरु को। ठीक है, मतलब वह उस कला की जड़ों को, जो संरक्षित जो जड़े हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे, कौन बजावे? यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही, भूल गया था कि इस कम्बली राजसभा को कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था। अब वह जो है प्रियपद का केवल वीणा से संबंध चल रहा है, कि वह वीणा जो किसी के जीवन भर की वजकीर्ति ने पूरे जीवन भर उसको जो है वो अपने मंत्रों द्वारा बनाया है, अपने ज्ञान मंत्रों द्वारा, मतलब जितने भी उसका ज्ञान था उसके द्वारा उसने वह वीणा को बनाया, और किसी के जीवन भर की साधना का सबसे पहले किया है, वह आदर कर रहा है, और इस चक्कर में वह सब कुछ भूल जाता है कि आसपास क्या है उसके परिवेश में। मतलब एक साधक, एक सच्चे साधक के मार्ग में किसी भी तरह का भटकाव नहीं होता है। ठीक, फिर जिसमें साक्षी थे आगे जीवित वही किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकेव के फड़ पर थी आधारित थी, जिसके कंधों पर बादल सूते थे हमने अभी देखा, जिसके कान में हिमगिरी अपने रहस्य कहा करते थे, संबोधित उस तरु को करता है नीरव एकालाप, एकदम शांत एकालाप, मतलब बस एक तरफा वो बातचीत करता है। कितने बजे से क्लास होती है मैम? बेटा सा इवनिंग में मोस्टली क्लास होती है आपकी 9, अब 9:15 के बाद जो है, 9:15 से 9:30 बजे के बीच में क्लास लेने की आपकी कोशिश होती है, और उसके बाद वो क्लास जब तक चले, कोशिश होती है कि 1 घंटे तक आपकी क्लास हो जाए। 1 घंटे से कम तो नहीं हो पाती है, लेकिन अब चूंकि आपकी परीक्षा जो है वो करीबन करीबन आ रही है, तो हो सकता है कभी कभी क्लास ज्यादा भी चल जाए। जो भी क्लास है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, और कुछ क्लासेस और जो दिन भर भी अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको भी हम आपको क्लास फॉर्म में डाल देंगे। ठीक है, बाकी डाउट सेशन चलता है, आप डाउट सेशन में भी अपनी अपनी बात पूछ सकते हैं। ओ विशाल तरु, अब वह वृक्ष से अपने आप को जोड़ चुका है, वृक्ष को संबोधित कर रहा है। वो विशाल तरु, महान वृक्ष, सत्पतझड़ों ने जिसका सहस्त्र पल्लवन नित रूप सवारा है। कितने पतझड़ आए, कितने वसंत आए हैं, और पतझड़ आए और वसंत आए, बार बार इस वृक्ष के रूप जो है वह बदलता रहा। अब ये सतपतझड़ है ना, 100 पतझड़ आए, मतलब 100 कितने वर्षों का, ये जितने भी पतझड़ आते हैं वह वृक्ष के अनुभवों को ही और समृद्ध करते हैं। लोग बोलते हैं ना कि भाई मैंने, मेरे वाला ऐसे संबंध नहीं, मैंने 100 वसंत देखा है, मैंने 60 वसंत देखा है, 45 वसंत अब तक देख चुके हैं, सामान्य बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। तो ये तात्पर्य नहीं होता है कि 45 वसंत देखे हैं, मतलब इतने वर्षों का जो अनुभव है, कितनी बरसातें देखकर, कितने खद्योतों ने, खद्योतों मतलब जुगनुओं ने आरती उतारी है उसकी, दिन भौरे कर गए गुर्जरित, रातों में झिल्ली जो झिंगुर टाइप के जो होते हैं जिनकी आवाज, देखो रात में ना एक सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज होती है जो निरंतर चलती रहती है, इन्हीं की आवाज होती है, और उनके गान जो है वो कैसे वो लग रहे हैं, उनका जो बोलना है जैसे लग रहा है वो वृक्ष को मंगल गान सुना रहे हैं। सात सवेरे अनगिनत अनचिन्हे खग काकिन पक्षी जो है वह क्रीड़ा कुल की मोद डाले डाले को कपा गए। कई तरह के पक्षी जो है, कई तरह के पक्षी जो है वह उस वृक्ष में हमेशा रहा करते हैं, और अपने अपने बोलियों से, अपने अपने क्रीड़ा से वृक्ष को हमेशा वह अपनी अपनी ध्वनि जो है वो सुनाते रहते हैं। अब देखो ये प्रकृति की ध्वनि, प्रकृति के सभी तत्वों की ध्वनि जो है वो वृक्ष में आ रही है, और यह भी कवि बताना चाह रहा है कि जीवन का जो असल संगीत है ना वह यही सी प्रकृति में है। कहते हैं उदीर काय, वो पूरे झारखंड के अग्रज, अग्रज के उत्तराखंड को बोला जा रहा है, मतलब पहले आया है। कहते हैं कि सबसे पहले जो है प्राचीन सभ्यता जो है वो उत्तराखंड की, उसके बाद जो प्राचीन सभ्यता आती है वो झारखंड की, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कहते हैं तात सखा गुरु आश्रय त्राता महाक्षाय, ओ व्याकुल, तुम ही अग्रज हो, तुम तात हो, तुम सखी हो, तुमसे ही सीखा जा सकता है, तुम्हारा ही आश्रय लिया जा सकता है।
ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंद गान के रूप, जितने भी वन की जो ध्वनियां है एक साथ जो हमेशा गूंजित होती है, जिसका साक्षी वह किरीटरु है, वो कहते हैं कि मैं तुझे देखूं सुनूं ध्याऊं, अनिमेष स्तब्ध संयत संयुक्त निर्वाह। अनिमेष मतलब बिना पलक झपके हुए, रुके हुए, बिना कुछ बोले लगातार मैं बस तुझे देखा देखता और सुनता जा रहा हूं। मतलब वृक्ष के प्रति प्रियंवत जो है वो पूर्णतः समर्पित हो चुके हैं। कहते हैं कहां साहस तुझे सुन सकूं, अपने आप को एकदम उस छोटा महसूस कर रहा है वो। सुने शुरू से ही कहा ना कि मैं तो साधक हूं, इस बड़ी वीड़ा, इस पप्पन वीड़ा के सामने मैं अपनी कोई श्रेष्ठता नहीं रखता हूँ। फिर कहते तेरी काया को छेद करके, ऐसे वृक्ष की काया को छेद कर तो वीड़ा बनाई गई, फिर किस स्पर्धा से हाथ करे आघात छीनने को तारों से। ऐसी महान वृक्ष से कि वीड़ा से, महान जिस आदमी ने वीड़ा को बनाया है, मैं किस स्पर्धा से, मेरे भीतर यह साहस, ये प्रतियोगिता, यह इसके करने की भावना कि मैं इसको बजा सकूंगा, यह भावना ही मैं अपने भीतर कैसे आऊं कि मैं तुम्हारे तारों को छेड़ने का, उस पे आघात करेंगे तो ध्वनि आएगी ना, ये आघात जो है वो ध्वनि करने के लिए आघात है। फिर कहते हैं एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने के लिए स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। ठीक है, नहीं नहीं यह वीड़ा मेरी गोद रखी रहे, किंतु मैं ही तो तेरी मोद भरा बैठा बालक। कहते हैं फिर बोलते हैं कि क्या है, यह तो मेरे गोद में रखी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह प्रियंवत के गोद में रखी है, लेकिन प्रियंवत जो है वह खुद उसके सामने एकदम बालक से बन गए हैं। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बालक हूँ। ठीक है, वह विद्या साक्षात विद्या की देवी देव है, और मैं उसके सामने एकदम बच्चे सा मासूम, निश्चलता है यह स्वयं इस कमरे की। कहते ओ तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुनू विस्मय से भर आंखों। वही समर्पण, वही पूर्ण निष्ठा, और वह अपने आप को वृक्ष को ही सौंप चुके हैं। आप कहते हैं कि आप मुझे संभालिए, मेरी विद्या अब तक जितना मैंने सीखा वह कुछ भी नहीं है, इतना कि मेरे शब्द से, मेरे मुंह से जो भी ध्वनि निकले वह संगीत में डूब जाए, जब मैंने आपका पूर्ण आश्रय ले लिया है। कहते मैं सुनूं गुरु विस्मय से भर आंख, तेरे भर तेरे अनुभव, तेरे अनुभव का एक स्वर एक अंत, तेरे दोलन की लोरी पर झूमू मैं, गातू तेरी लय पर मेरी सांसे भरे पूरे रीते विश्रांति पाए। ठीक है, कह रहे हैं कि अब वह उनसे तुम गाओ, मेरा इतनी क्षमता नहीं है कि मैं तुम्हें गवा सकूं, या मैं तुम्हें बजा सकूं, तुम पर आघात कर सकूं। अब मैं तुम्हारा आश्रय ले चुका हूं, अब तुम गाओगे और तुम्हारी लय पर, जिस लय उसी प्रकार से मेरी सांसें जो हैं वो निकलेंगी, पूर्णता पाएंगी, उच्छ्वास होगा, निश्वास होगा और विश्रांति प्राप्त हो सकेंगी। कहते हैं तुम गाओ, यह वीड़ा रखी है, जो वीड़ा है तुम्हारे ही अंग है, अपंग तेरा अंग, उस किरीट वृक्ष का अंग, किंतु अंगी उसी वृक्ष से निकली है, लेकिन अंगी किसकी है, तुम्हारी है। तू अक्षत आत्मनिर्भर आत्मभरित रसवीत तू गा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा स्मृति का। देखो बहुत कोशिश कर रहा है प्रेमवत अपने आप को उस वृक्ष से जोड़ने की, और कितना जोड़ लिया है, लेकिन यही तो श्रेष्ठ व्यक्ति का तो यही एक बड़ा गुण होता है कि वह कभी भी अपनी श्रेष्ठता नहीं मानता, वह हमेशा अपने आप को छोटा ही समझता है। उसके बावजूद जो है प्रेमवत वो अपने आप को छोटा ही आंक रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं अभी तो कुछ जाना ही, मेरे भीतर अभी अंधियारा हुआ है और भीतर आलोक मतलब प्रकाश जगा करके तुम्हें मेरे स्मृति में यह संचित कर सकते हो, बता सकते हो, स्मृति का, श्रुति का, पुराणों का ज्ञान दे सकते हो। तुगा 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 हाँ मुझे स्मरण है, मुझे मुझे याद है, क्योंकि अभी वृक्ष से अपनी साधना सा को वृक्ष से वह स्वयं को साध रहे हैं। कहते हैं बदली पट बूंदों की पटपत्तियों पर वर्षा कौद, घनी रात में महुए की चुपचाप टपकना। अब ये किरीट तरु के बारे में है, किरीट तरु जो ने जो महसूस किया है, किरीट तरु ने जो स्मृति है उसके जीवना जो अनुभव है वो बारे बता रहा है कि प्रकृति का जो साथ है, चाहे वो महुए का टपकना, फग शावकों को छोटे छोटे जो
हैं बच्चे शावक के, वो उनका चीकना, उनका बोलना, शिलाओं को दुलराते वन झरने, झरनों का गिरने में जो संगीत है, द्रुत लहरीले जल का जो कल निनाद हो रहा है उसमें जो संगीत है, कोहरे में छन कर आती कहीं दूर जो है वो पर्वत में ढोल बज रही है, उसकी थाप की ध्वनि जो किरीट वृक्ष को सुनाई दे रही है, गडरियों की अनमनी बांसुरी, वो सब जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, प्योर जो संगीत कहते हैं प्रकृति का, वह जो है वो उसका साक्षी है किरीट स्वरूप। कटफोड़े का ठेका, प्रकृति की ध्वनि, फूल सुगने की आतुर फुरकन कटफोड़े का, या प्रकृति की ओस इतनी कोमल बूंद की ढरकन, ओस की बूंदे भी ढरक रही है तो वह भी वृक्ष को सुनाई देती है, झरते झरते हर श्रृंगार का फूल बन गई। अब देखो प्रकृति का जो सुंदरतम रूप हो सकता है, एक तो उत्तराखंड की वादियों में बैठ करके लिखना, अल्मोड़ा में बैठ के लिख रहा है प्रकृति का सुंदरतम वर्णन, ठीक है, 60 के समय में 60 61 में कविता आ रही है, तो समझ लो उस समय प्रकृति कितना सुंदर वर्णन जो है वो साक्षात ऐसा लग रहा है कि अज्ञेय सामने देख रहे होंगे और उसका वर्णन करते जा रहे हैं, जो हमारे आपके सामने एकदम दृष्ट भी हो रहा है। भरे शरद के ताल, शरद ऋतु में जो ताल तालाब जो भर जाते हैं, उनकी जो ध्वनिया लहर उनकी जो लहर आ रही है, उनका कुंजों का क्रेंकार, टिटवी जो होती है जो लंबी सी होती है, जो उसकी आवाज काफी थोड़ी सी, अगर आप देखो कई सारी ध्वनियां ऐसी है ना जो आपको लगेगा जैसे कर्ण प्रिय भी नहीं है, पर वह प्रकृति की ध्वनि है इसलिए उसमें भी संगीत है। हंस युक्ति सायक, चिड़तहा टकराहट, अंध उन्मत्त पतंग की, जहां गंध वनों में जलप्रपात का एक जलप्रपात गिर रहा है, झरने सा जलप्रपात, उसका भी झिल्लीदार दुर, झिल्ली जो झिंगुर से जिसकी ध्वनि होती है लगातार, दादुर मेढक की, कोयल की, चातक की, सबकी जो पुकार है, और इसकी जो प्रकृति के साए साए, देखो कहते हैं ना जब सन्नाटा भी होता है उसकी भी एक ध्वनि होती है, उसकी ध्वनि क्या होती है, इसी प्रकृति की ध्वनि होती है, ठीक है। फिर कहते हैं हाँ मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों के काले मेघों की बाढ़, ठीक, हाथियों का मानो चिंघाड़ रहा, यूथ घर घराट, हाथियों का पूरा दल जैसे, यूथ जो मतलब दल जो है वो एक साथ चिंघाड़ रहा हो, घर घराट चढ़ती भैया की, पानी का जो प्राकृतिक अप्राकृतिक श्रोता है, रीतेले कगार का गिरना, छपाछप झंझा की फुफकार, तप्त पेड़ों का अररा कर टूट कर गिरना, आसपास के पेड़ जब टूट के गिर रहे हैं उसकी ध्वनि, ओले की कर्री चपत, जमे पाले से तने, कटारी से सूखी घासों की टूटन। अब देखो ये क्या है वर्णन, प्रकृति की बड़ी से बड़ी लेकर के प्रकृति के सूक्ष्मतम ध्वनि में भी जो संगीत है उसका वर्णन यहाँ पर करा जा रहा है, चाहे वो घास का टूट कर गिरना हो, या एक तरफ वह हाथियों के दल की चिंघाड़ों का भी वर्णन करते हैं। फिर ऐठी मिट्टी का स्निग्ध धाम में धीरे धीरे रिसना, हिमचाप उसार के फाये धरती के घामों को सहलाते हुए घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, किस प्रकार से उस जो है वो वृक्ष को सुनाई दे रही है, कांपती मंद्र गूंज सी सांस खोई अनुगूंज, धीरे धीरे निर्वर, ठीक है, एकदम जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, वो अपने मूल स्वर में वह सुनाई पड़ती है, इसको किरीट तरु को, ये सब किरीट तरु की ही बात हो रही है, मुझे स्मरण है, साथ में वह बोलते हैं कि हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नाना विध आतुर तृप्त पुकारे, एक दूसरे से कैसे वन पशु जो है वह चाहे वो पालतू पशु हर तरह के जो पुकारे हैं, हरी तलहटी में जो छोटे पहाड़ में आते हैं, पेड़ों की ओट ताल में जो छुप रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटे पशु हो या बड़े से बड़े, कैसे उनकी गर्जना, उनका घिर घर घुर घर, चीख भूख हुक्का चिचियाहट, मतलब हर प्रकार की ध्वनि, खुशी की दर्द की प्रेम की हर प्रकार से जानवरों की भी जो ध्वनि है वो, कमल पै द्रुत भावित पत्रों पर चोर मुकुंद जल पंछी की छाप, दौड़ने से के जो उनको आ रही है थाप दादुर की, दादुर का जो है मतलब मेंढक भी जब छलांग लगाता है तो एक ध्वनि सुनाई देती है वो, पंथी के घोड़े की जो टाप है उसकी ध्वनि, भैंसों के जो खुर होते हैं पैर चलने की ध्वनि, मतलब न केवल बोलने की ध्वनि, इन वन पशुओं के बोलने की ध्वनि नहीं, इनके चलने से भी, इनके अन्न प्रत्यंग से भी जो ध्वनि निकल रही है उसमें भी प्रकृति का संगीत है। मुझे स्मरण है उज्जल क्षितिज से किरण भोर की पहली,
हाँ, किरण भोर की पहली जब तकती ओस बूंद, उस क्षण की सहसा चौकी सी सिहरन प्रकृति, और जब दोपहरी में घास फूल हम देखे खिल जाते हैं, मौमखियां अनसख्य। यह प्रियंवत कह रहा है, जो कि किरण तरु के भीतर संवाद हो रहा है ना, तो ये कहवाया तो प्रियंवत से ही जा रहा है, लेकिन कथन किसका है? सब किरण तरु का है, ठीक है, क्योंकि प्रियंवत जो है वो किरण तरु से अपने आप को साध रहा है, ठीक, और उसी की बोली जो है वो प्रियंवत के द्वारा वो अपने ही वार्तालाप में निकल रही है। ये सारे जो वार्तालाप है ना, वो कोई बाहर नहीं सुन रहा है, ठीक है, ये वार्तालाप जो हो रही है वो प्रियंवत और किरीट तरु के बीच ही हो रही है, और ये सारी जो ध्वनि है ना, वह किरीट तरु ही बोला जा रहा है, ठीक है, मतलब ये बोल रहा है, सॉरी, बोल तो रहा है प्रियंवत के द्वारा, लेकिन कथन सारा किरीट तरु का है, ठीक। मौमखियां असंख्य झूमती करती हैं गुंजार उस लंबे बिल में, छड़ का तंद्राल, छोटी छोटी, जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा होने लगती है, देखो छोटी छोटी बहुत, एक घुन का कहते हैं कहीं कहीं, अलग अलग चीज वो भी भनभनाने लगती है, आसपास गुजरने लगती है, तो प्रकृति की सबसे सूक्ष्मतम चीज भी है जो उसकी भी ध्वनि जो सुनाई पड़ती है वृक्ष को, और सांझ को जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ से नयन तरल ठिठकी, निसंख्य संवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद उस संध्य निमिष पुलकिन नयन। जो प्रकृति की वह ध्वनि इसमें सभी है जो पवित्र है, प्रकृति की वो सभी ध्वनियां जो कह सकते हैं जो मिलावटहीन है, जिसमें मिलावट नहीं है, वो सारी ध्वनियां किरीट तरु के संगीत की साक्षी हैं। साथ में मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित कर देता है मुझको, सुनता हूँ हर स्वर कंपन लेता मुझको, मुझको मुझसे सो वायु भरा मैं उड़ जाता हूँ नाद सा, मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं पर मुझसे मैं शब्द में दिए मान। वह बोल रहा है कि देखो, जब व्यक्ति जब परम अपने आप में ज्ञान का आभास करता है, जब उसको पता है कि मैं ज्ञानी हूं, कि ऐसा भान करता है, तो बहुत भार होता है उसमें, जब व्यक्ति में जो कह सकते हैं मूल ज्ञान का संचार हो जाता है, तो वह जीवन से हल्का हो लेता है, तभी वह पार हो सकता है भार के। तो कहते हैं कि मैं सब, क्या कहते हैं, हर स्वर कंपन कर लेता है मुझको, सोख लेता है, और वायु से भरा मैं उड़ जाता हूँ नाद सा, उसी एक नाद, उसी संगीत के एक नाद की भांति जो है मैं भी उसमें विलीन सा होता जा रहा हूं। जब मैं जो शब्द होता है ना, वह भार भरा शब्द होता है, मैं जो शब्द होता है उसमें घमंड होता है, मैं जो शब्द है, जब तक वह, और जहां मैं खत्म हो गया उस अपने तत्ता में, अपने ईश्वर में, अपने आराध्य के प्रति विलीन होने की जब भावना आ जाएगी, तो वही हल्कापन भीतर आ जाता है उसके, साधक के, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रियंवद है वह साधक मात्र है, फिर कहते हैं मैं नहीं, नहीं मैं कहीं नहीं, ओरे तरु ओ वन, ओ स्वर संभार नाद में संस्कृति, ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर भूल अकिंचता को मेरी, मुझे ओट दे छा ले ढक ले ओ शरण ले। लेकिन वह बोलता है इन सब में भी मैं कहीं नहीं हूं, इतना जानने के बाद वृक्ष को, इस प्रकृति को इतना मैंने जाना, इतना जानने के बाद भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं एक उस वृक्ष को जरा भी समझ पाया, जान पाया, या मैं उसके कहीं भी हूं। तो वह ओ रे तरु ओ वन स्वर संभार, स्वर संभार सबके ज्ञाता नाद में है जिसका संस्कृति, जिसका एक एक शब्द जो है वह संगीत उसे भरा पड़ा है, और कह रहे हैं फिर भी अगर मुझे ऐसा लग रहा है, जो शब्द मैंने इतने बोले ना, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैंने तुझे जाना, तो मेरा क्या है, ये मेरी गलती ही है, और मुझे इससे मेरी गलती जो है वो समझ करके मुझे माफ करो, और मुझे फिर से अपने शरण में लो। मतलब एक वो देखा, पढ़ा, पढ़े ही नहीं होंगे आप लोग, जब क्या किसमें है, रामचरितमानस के उत्तरकांड को जब पढ़ेंगे हम, शायद आपके सिलेबस में है, जब आप उसको पढ़ो, तो जो काग भिशुंडी है ना,
वह जब ईश्वर के बारे में बताता है ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, उसके बाद फिर आगे कहता है कि पता नहीं कैसे है, मुझे उनका इतना सब जानने के बाद भी मुझे उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है। वही भाव आपको यहाँ पर प्रेमवत अरि का तरु के विषय में दिखाई पड़ेगा। फिर कहते हैं, मेरे गूंगेपन को तेरे स्वर स्वर सागर का ज्वार डुबा ले, आ मुझे भुला तू उतर बीन के तारों में, उसी तारों में आप उतरो और अपने से गा, खुद आप गाइए, मेरा ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको गवा सकूंगा या बजा सकूंगा। अपने खगकुल को मुखरित कर अपने छाया में, जिस छाया में तुम्हारे मृग की चौकड़ियों को ताल बांध कर, जो मृग जो है वो तुम्हारी छाया में खेले हैं, उनके चौकड़ी की जो ध्वनि है उसी को ताल में बांधो। मतलब अब संगीत क्या होगा, जो देखा है जो सुना है प्रकृति का जो संगीत है उसी को गाओ, लेकिन मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है, या अपने आप को इतना हीन महसूस कर रहे हैं उनके सामने, वृक्ष के सामने। अपने छाया तप वृष्टि पवन पल्लव कुसुम कुसुम सुमन की लय पर अपने जीवन संचय को छंद युक्त कर, अपनी प्रज्ञा अपने ज्ञान को वाणी दो और गाओ, तो सन्निधि पा संसर्ग पाओ साथ पाओ उन सभी का और गाओ। तू गा और तू गा, बार बार यह आग्रह आग्रह है भीतर। राजा जागे समाधिस्थ संगीत का हाथ उठा, कापी थी उंगलियां कापी। तब तक जो प्रेमवत बाहर से देखने में अभी तक यही दृश्य आ रहा है कि प्रेमवत जो है वो वीड़ा पर सोया हुआ है, सभी जो है वह निराश हो चुके हैं और उस ही ध्यान में लीन हो चुके हैं। अचानक से प्रेमवत का जो हाथ है वह वीड़ा पर कांप उठता है, अलस अंगड़ाई ले मानो जाग उठी थी वीड़ा। ऐसा लग रहा है कि परम कितना जो पुरातनता की नींद है वह त्याग कर वीड़ा जो है वो अलसाई हुई सी जागी है। कैसी लग रही है, जैसे किलक उठे थे स्वर शिशु के। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बालक है। अब देखो बालक की किलकारी में जितनी पवित्रता हो सकती है एक माता के हिसाब से अगर देखा जाए, उससे बढ़िया संगीत एक माँ को नहीं लग सकता। वही किलकना सा लग रहा है वीड़ा का बोलना, नीरव पद रखता जालिक मायावी, सधे करो से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम तारों का। ठीक है, मतलब धीरे धीरे बहुत सधे हुए से, ऐसा लग रहा है एक एक ध्वनि जो है वह बड़ी सधी हुई नाप तौल के लग रही है। बाहर से ध्वनि वह ऐसी ही प्रतीत हो रही है। सहसा वीड़ा झंझना उठी, वीड़ा में ध्वनि आई और संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। जो संगीतकार जो बजा रहा है स्वयं प्रेमवत, रोमांच का एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया, सबके भीतर जो एक टक ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, और कहते हैं अवतरित हुआ स्वयंभू। स्वयंभू मतलब साक्षात जो संगीत कह सकते हैं कि शिव का जो संगीत है, जो ईश्वर का जो संगीत है, साक्षात ईश्वर का अवतरण हुआ ऐसा लग रहा है, जिस में सोता है अखंड ब्रह्मा का मौन विशेष प्रभान। जैसे ब्रह्मा का मौन को जो वाणी मिल गई हो, ऐसा लग रहा है कि विद्वा वे ब्रह्मा मतलब यहाँ क्या है, परम ज्ञान का प्रतीक है। ऐसे परम मौन ज्ञान को भी अशेष प्रभा में, जिस जिसके कभी रुकावट नहीं होते, जो कभी रुक नहीं सकता है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, शेष मतलब अभी चल रहा है, अशेष मतलब लगातार जो चलता रहेगा। कहते हैं डूब गए सब एक साथ, पूरी प्रजा राजा जितने भी संकेत लोग सुना सभी उस डूब गए, और सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। डूबे तो संगीत में एक साथ, लेकिन सब जब बाहर निकले अलग अलग निकले। अब किसने क्या सुना यह देखो, राजा ने अलग सुना, जय देवी यश काय वरमाल लिए गाती थी मंगल गीत, दूर दुमदुभी दूर कहीं बसती थी, राज मुकुट सहसा हल्का हो आया, मानो हो फूल सिरिस्का, ईर्ष्या महत्वाकांक्षा द्वेष चाटुता सभी पुराने लुगड़े से झर गए, निखर आया था जीवन कांचन धर्म भाव से जिसे निछा। एक राजा, अब एक राजा क्या चाहता है, राजा की क्या इच्छा होती है, राजा के जीवन का सबसे अच्छी ध्वनि क्या है, वह ध्वनि है
जब राजा युद्ध स्थल में जाता है, जीत कर आता है, और जीत की जो ध्वनि बजती है वह संगीत एक राजा को, एक क्षत्रिय को, एक युद्ध प्रेमी को सबसे अच्छी लग सकती है। साथ में एक तो यह भी ध्वनि सुनाई दे रही है, साथ में राजा को बहुत हल्का ऐसा मुक्ति का एहसास हो रहा है। मुक्ति का एहसास क्यों? जो राज मुकुट जो तमाम भारों से युक्त होता है, उससे वह मुक्त हो गया। क्यों? क्योंकि मुक्त हो गया क्योंकि वह अपने ईर्ष्या से, द्वेष से, महत्वाकांक्षा से, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि वह उसके जीवन से अलग होते जा रहे हैं। यह राजा ने सुना, रानी अलग सुन रही है। रानी क्या सुन रही है? छठे बादल में कौद गई, तुम्हारे ये मणि फाटक, कंठहार, पट वस्त्र, मेखला, किंकिर, सब अंधकार के कण हैं। ये आलोक एक एक प्यारी अनन्य उसी की विद्युलता घेरती है। रसभार मेघ को थिरक उसी की छाती पर, उससे छिपकर सो जाती है। आश्वस्त सहज भरी रानी एक प्यार उससे एक प्यार उसा देगी। देखो रानी का क्या है, तमाम समृद्ध चीजों के रहते हुए, चाहे वो माला हो, चाहे भौतिक जो सुख सुविधा हो, ये है, यही सुख रहा है। अगर पहले रानी को देखा जाए, अब ये सारी भौतिक सुख सुविधाएं उससे बड़ी उसकी वह जो ध्वनि है उसको वह लग रही है। और वह उसकी जो सुख सुविधाएं होती हैं, चाहे वो साज श्रृंगार सब कुछ से, उसकी जो रत्नों की जो प्रकाश है उससे भी तेज जो है वह उसकी विद्युलता, वह उसका संगीत का जो है वो उसका प्रकाश उसको लग रहा है। ठीक है, तो वह उससे पार हो जाएगी। अब आएगी, सबने अलग अलग संगीत सुना इसको, वह कृपा वाक्य था किसका? साक्षात प्रभुओं का, मुक्ति का, आतंक से मुक्ति का। वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, किसी को सोने की खनक सुनाई दे रही है। ठीक है, किसी को बटुली में बहुत दिनों के बाद आए अन्न की सूंधी महक से। हो सकता है कोई जो गरीब व्यक्ति सुन रहा हो, उसको ऐसा लग रहा है कि अनाज की जिस जैसी खुशबू उसको मिल सकती है, मतलब उससे ज्यादा उसकी कोई खुशबू नहीं है। जाहिर सी बात है, जो बहुत दिनों से भूखा है उसको भोजन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बहुत दिनों से भूखा व्यक्ति है, उसको तुम राजमहल दे दो, उसको तुम आराम दे दो, एसी दे दो, बढ़िया बढ़िया कपड़े दे दो, उसको वो नहीं चाहिए। उसको भूख केवल खाना चाहिए, और कोई भी सामान सरल सा खाने दे दो, उसको वही चाहिए होगा। फिर किसी एक को एक नई वधु की सहमी ध्वनि, जिसको विवाह की इच्छा है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे नई वधु उसके पायल पहन करके घर में चल रही है, जिसको शिशु की आकांक्षा है, उसे शिशु की किलकारी से सुनाई पड़ रही है। जो नावक है या मछली पालक है, उसको जाल में फंसी मछली की जो तड़पन है वो उसको अच्छी लगती होगी ना। मछली फंसी उसको, उसमें उसको संगीत वो लगता होगा, या उसको वो अच्छा लगता होगा। एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, जो तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल, जो व्यापारी है उसको अपने ग्राहकों से भरी ध्वनि अच्छी लगती है। चौथे को मंदिर की जो पुजारी है उसको मंदिर के घंटे के समान लग रही है। पांचवे को लोहे प्रसादी, जो लोहार होगा उसको अपने हिसाब से जो ध्वनि सुनाई दे रही है। छठे को लंगर पर कसमस गा रही, नौवा जो नाविक होगा वो नौ उसको नाविक की ध्वनि आ रही है। अब देखो हर वर्ग को वो ध्वनि अपनी सी लग रही है। बटिया पर चमरौधे की रूधी चाप, सातवें के लिए, आठवें के लिए पुलिया की कटी मेड़ मेड़ बहते, जब किसान होगा उसको उसके हिसाब से सुनाई दे रही है। ठीक है, अब किसी को युद्ध का ढोल, जो भाई बजाने वाला है उसको युद्ध के ढोल की जैसे सुनाई दे रही है। जो संगीत करता है, जो जो जिस पेशे में है उसको उसी प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। क्यों? अब इसका ये भी है, देखो एक ये जो है कि जाकी रही भावना जैसी, ठीक है, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, यही भावना यहां पर भी है। जो जैसा चाह रहा है उसको वैसा ही सुनाई दे रहा है। यही चीज जो है वो आपको इसमें दिखाई पड़ेगी। जाके रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन ऐसी, इसको लिख लें तुम अपने हिसाब से, एक्सप्लेन करने के लिए अगर कहीं देगा तो, मतलब एक उदाहरण के तौर पे है कि वही जो स्वर है, वही ध्वनि जो है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है। इसे संझा टुन गोधुली की लघु टनटन, जो शायद गोपालक होंगे, इस जीवन की जीव इसको जीवन की पहली अंगड़ाई पर, उसको महाजरे में विकराल काल, सब डूबे तेरे झिपे जागे, हो रहे वंशब्द स्तब्ध, यत्ता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई। सब एक साथ सुनने गए थे, लेकिन जब सुन करके अलग हुए,
ऐसा लगा सब अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर पहुंच गए हैं। वीणा फिर हो गई। इतना बजने के बाद वीणा खुद शांत हो गई। साधु साधु, बहुत अच्छा, जितना हो सकता है उतना हुआ। राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलज। राजा अपने सिंहासन से उतर के आ गए। रानी जो माला, जो जिसके आभूषण जो शायद प्रेमी रही होंगी, उन्होंने अपने माला उतार दिया, उसी पे चढ़ा दिया प्रेमवत पे। जनता जो है विह्वल हो उठी, अपने अपने भाव से युक्त थी, और कहती धन्य 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 वह मनाती है। संगीतकार मतलब प्रेमवत वीणा को धीरे से नीचे रखे, ऐसे रखे जैसे एक माता अपने सोए हुए शिशु को बड़े आराम से रखती है गोदी में। सोए हुए शिशु को पालने पर डालकर मुग्धा माँ हट जाए, दीठ से दुलराती हुई। और साथ में वह जितने प्रेम से अपने शिशु को दुलरा करके देखती हुई है, वैसे प्रेमवत जो है वीणा को देख रहे हैं और उठ खड़े हुए। बढ़ते राजा का हाथ उठा, आवर्जन से बोला, क्या श्रेय नहीं कुछ मेरा? अभी भी देखो यह एक लेखक का समर्पण भी है और बड़प्पा नहीं है कि वो बोलते हैं कि मेरा कुछ श्रेय नहीं है, मैं तो एकदम डूब गया था शून्य में, अपने आप को पूरी तरीके से सौंप दिया था उस वीणा को, लीन हो गया था। अब वीणा के माध्यम से मैंने अपने आप को उसको सौंप दिया। अब जो सुना आप सबने, जो ध्वनि सुनी, वह मेरी नहीं थी, वह वीणा की थी। वह सब कुछ तो तथा थी, महाशून्य की, उस महामौन की, अविभाज, अनाप, अद्रवित, अप्रेम, जो शब्दहीन सब में गाता है। देखो ये भी पूछेगा, क्रम पूछ लेगा उठा करके, इसमें कौन पहले है कौन बाद में, जैसा आजकल सवाल पूछने पे आतुर है आयोग, इसको भी ध्यान देना। ये या और ये क्या है, किससे प्रभावित, ये ही बौद्ध दर्शन से प्रभावित, यहाँ से आपको और क्लियरिटी पता चल जाती है। उसके बाद नमस्कार कर मुड़ा प्रेमवत, केस कंबली लेकर कंबल गुफा गए, को वापस जहां से आया था वहां चला गया। और उठ गई पूरी सभा, सभी अपने अपने काम में लग गए। देखो इसके बाद भी प्रेमवत में किसी भी प्रकार का कोई भी अहंकार नहीं है, और वह अपने काम में जिस प्रकार आया था उसी प्रकार वापस भी उसी साधना में लग चला गया। फिर युग पलट गया और प्रे पाठ को यह अज्ञेय जो है अपने पाठक से कह रहे हैं कि इस प्रकार जो है मेरी वीणा भी समाप्त हो जाती है, मतलब उनकी लेखनी भी यहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक, तो बड़ी सुंदर कविता है, छोटा सा प्रसंग है, उस प्रसंग को ये अज्ञेय का ही शाब्दिक चमत्कार है कि किस प्रकार उन्होंने इस संपूर्ण प्रसंग को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, कितनी सुंदरता के साथ। ठीक है, ये तो हो गया आपका ज्यादा भी है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली सिंपली केवल एक से दो बार पढ़ लेना है, और उसके बाद पढ़ने के बाद एक कथात्मक रूप में अगर आप उसको समझ लोगे ना, कथा के जैसे समझ लोगे, तो आपको बड़ा आसानी हो जाएगी। और देखो व्याख्या वगैरह समझने का सबसे अच्छा तरीका नहीं यही है ना कि एक बार खुद को ही लेक्चर दे मारो, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारा लेक्चर, इतना टाइम होता ही नहीं है किसी के पास। ठीक, अगली जो कविता हम पढ़ रहे हैं, इसमें यह दीप अकेला है, पढ़ लेते हैं नदी के द्वीप, पढ़ लेते हैं सॉरी, नदी के द्वीप, जो कि आपके अन्य सिलेबस में भी है। दो कविता पढ़ लें, बाकी अन्य कविता जो है इनकी एक साथ पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। नदी के द्वीप दो ही हमने चर्चा करी थी, दोनों ही पढ़ लेते हैं, देखो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आप तो फास्ट फॉरवर्ड में भगा हुआ करके देख लोगे, मुझे पता है, 2x में सुन लेना। नदी के द्वीप स्पष्ट है, नदी के द्वीप जो है वो उनकी प्रतीकात्मक कविता है। 1949 में इनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर, ये कविता संकलन भी है, ये इस नाम की कविता भी है और कविता संग्रह भी है। जो जो कविता संग्रह हरी घास पे क्षण भर, उसी में यह नदी के द्वीप कविता जो है वो संकलित है। 1949 में ये कविता आती है, छोटी लेकिन बड़ी कह सकते हैं भावानुकूल कविता है इनकी, बड़े अर्थ गर्भित कविता है। ठीक है, ये पूरी कविता ऐसा लगती है आत्मकथा कथात्मक शैली में पूरी लिखी गई है, क्योंकि यह उत्तम पुरुष में आप कहोगे। ठीक है, उत्तम पुरुष में पूरी कविता जो है वो लिखी गई है। ऐसा लगता है कि अज्ञेय जो है वह अपनी बात कहना चाह रहे हैं,
अगला इंपॉर्टेंट क्या है, इस कविता पे अस्तित्ववादी आधुनिक जीवन दर्शन के धरातल पे रची गई है। स्वयं के अस्तित्व क्या है, एक व्यक्ति मात्र का क्या अस्तित्व है, उसके बारे में ये कविता पूरी जो है वो बताई गई है। ठीक, कुछ प्रतीकों को समझ लो यहां पर, जैसे कि नदी, नदी जी क्या है, वो समष्टि है, समष्टि या समाज। ठीक है, दूसरा है द्वीप, द्वीप क्या है, व्यष्टि मतलब व्यक्ति। अब समाज में व्यक्ति की क्या भूमिका है, व्यक्ति का क्या स्थान है, व्यक्ति की क्या अस्तित्व है, खासकर यह दर्शाने की कोशिश की गई। देखो, अज्ञेय पे हमेशा व्यक्तिवादी होने का बड़ा आरोप लगा है। तो किसी कविता के माध्यम से अज्ञेय कभी अपने आप को प्रूफ करते हैं कि वह व्यक्तिवादी नहीं है। जब आप वह यह दीप अकेला कविता कहते हैं जिसकी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, तो यह भी वो स्पष्ट करते हैं कि वह पूर्णतः व्यक्तिवादी नहीं है। और दूसरा, व्यक्ति जो निष्ठ होना या व्यक्ति होना क्या गलत है, या व्यक्ति की क्या अस्तित्व है, इसकी भी क्या क्या कहते हैं उपयोगिता है, इसको भी इस कविता में उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो छोटी कविता है लेकिन महत्वपूर्ण कविता है, इसको पढ़ लेंगे। कहते हैं हम नदी के द्वीप, नदी जो होती है ना वो ऐसे से देखो बहती है, ठीक है, ऐसे से बहती है, अच्छी हिंदी बनाएंगे ना, आर्ट मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक, तुम इसी से काम चला लो। कहते हैं हम नदी के द्वीप, जो नदी जो है वो बहती जाती है, और जो कटान है ना, आप देखोगे इस तरह का जो कटान है उसपे एक द्वीप बनाती जाती है अपने अपने किनारे पर। अब कहते हैं हम नदी के द्वीप, यही जो है वह द्वीप है, ठीक, ये जो क्या है वह द्वीप है, और यह इसका स्थान क्या है यह बता रहा है। कहते हैं हम नदी के द्वीप है, नदी में पड़ने वाले जो द्वीप होते हैं, हम नहीं कहते हमको छोड़कर स्रोतस्वनी बह जाए, स्रोतस्वनी मतलब नदी। अब यह द्वीप कभी नहीं कह रहा है कि इसे छोड़ करके नदी बह जाए, ठीक, वह यह मान रहा है, यह नदी मानता है कि द्वीप जो है वह मान रहा है कि इसको आकार देने वाले कौन है, यही नदी ही है, जो कि इस द्वीप को उसने बनाया है, उसी को आकार दिया है, क्योंकि जब इसी से जो जो भारी कण वगैरह जो आते हैं वह किनारे समेटते जाते हैं, और द्वीप का इस तरह से छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण होता जाता है। ठीक है, कहते हैं कि यही नदी जो है वह हमें आकार देती है, ठीक, यही नदी जो है वह हमें बना रही है, हमारे कोण, गलियां, अंतरेप, उभार, सैकुल, सब गोलाइयां उसी की कड़ी है, मतलब हमारी भौतिकता का निर्माण जो है वो इसी के द्वारा होता है, हमारे जो अंग प्रत्यंग है, हमारी विशेषता है, हमारी भौतिक जो है। अब अगर आप इसको समाज मान रहे हैं, ठीक है, ये समष्टि का प्रतीक है, क्या है, नदी, और यह व्यष्टि का प्रतीक, तो मतलब वह बोल रहे हैं कि ये जो समाज है ना, वही हमारे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को, बाहरी पूरे आवरण या बाहरी व्यक्तित्व को संपूर्णता कौन बनाता है, ये समाज ही बनाता है, मतलब जिस प्रकार से नदी द्वीप को बना रही है, उस प्रकार से समाज भी हमें बना रहा है, और साथ में वह एक्सेप्ट करते हैं, माँ है वह, इसी से हम बने हैं, जो नदी जो है वो हमें बनाने वाली है, और जो हमें उत्पन्न करती है कौन होती है, माँ है, तो नदी जो है हमारी माँ के समान है, उसी प्रकार जो समाज में है जो है व्यक्ति के लिए माँ के सदृश है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे पूरा ग्रेटिट्यूड है, ठीक है, ग्रेटिट्यूड है व्यष्टि का समष्टि के लिए। कहते हैं किंतु हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं है, उसके बावजूद इतना ग्रेटिट्यूड, इतना समर्पण होने के बावजूद भी यह अपने आप में यह मानता है कि हमारा अपना एक मूल अस्तित्व है, ठीक, हम धारा नहीं है, धारा क्या है, नदी के साथ आएगी और बह जाएगी, आएगी और बह जाएगी, पर वो क्या कह रहे हैं, हम अपने आप में एक अस्तित्व भी रखते हैं, हम नदी के साथ बह नहीं सकते, हम नदी का पूरा सम्मान करते हैं, हम समाज का सम्मान करते हैं, लेकिन हम समाज की रौ में बह नहीं सकते हैं। कहते हैं स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं, स्रोत स्वीनी के, हमने नदी नदी के द्वीप हैं,
जो व्यक्ति है वह समाज का ही है, लेकिन वह समाज के रोह में केवल जो निर्ढाल होके बह नहीं सकता है। और आगे वह यह भी स्वीकार कर रहे, किंतु हम बहते नहीं है, हम समाज के संग बहते नहीं है। अपना एक व्यक्तित्व, एक मजबूत जो है व्यक्तित्व बना के रखता है कौन? अब देखो ये किसके बारे में बात, अपने बारे में व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कहते हैं क्योंकि बहना जो है वह रेत हो जाना है, रेत हो जाना मतलब खत्म कर देना, ढह जाना, खत्म हो जाना अपने आप को। तो कह रहे हैं बह जाना, अगर मैं बह गया तो व्यक्ति का व्यक्ति में कुछ रह ही नहीं जाएगा। अगर वह समाज के रौ में मिल जाएगा तो व्यक्ति का अपना कुछ नहीं है। कहते हैं ऊपर से हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, अगर हम बह गए तो हम हमारा मूल क्या रह जाएगा, द्वीप फिर बचेगा ही कहाँ अगर वो चला गया तो। आगे कहते हैं पैर उखड़ेंगे, हमारे पैर जो, हमारे जो जड़ है, हमारा जड़ जो है वो उखड़ जाएगा, प्लवन होगा, जिससे क्या होगा अतिरिक्त पानी बह जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा अगर द्वीप, तो क्या है धारा सब एक साथ नहीं चलनी पड़ेगी, यहाँ से निकल नहीं जाएगी सारा धार एक साथ निकल जाएगा, फिर हम ढहेंगे सहेंगे और हम अपना अस्तित्व छोड़ जो है वो नदी में बह जाएंगे। अगर हमने नदी के साथ बहने की कोशिश की तो, और फिर हम चूर होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं? उसने कहा फिर भी यदि हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने अस्तित्व त्याग कर, ये जो द्वीप है ना वो अपना मूल अस्तित्व त्याग करके साथ भी नदी के साथ बहने के लिए तैयार है। यह जो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है ना वह समाज के लिए यह भी बलिदान देने को तैयार है, लेकिन वह बोलता क्या है कि अगर हम चूर होकर के धार बन सकते हैं, अगर हम चले भी गए तो भी क्या हम तुम्हारे संग धारा बन जाएंगे? नहीं। क्या कहते हैं, रेत भरकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी बनाएंगे। जब ये द्वीप है नदी के संग बहने लगेगा तो क्या होगा, और पानी जो है वो गंदा हो जाएगा ना। जब पानी गंदा हो जाएगा तो वो और प्रयोग करने योग्य नहीं रहेगा। तो वो बोलते हैं कि हमारा किनारे रहना और अलग रहना ही ज्यादा बेहतर है हमारा। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई अपने केवल यह मेरे अस्तित्व के लिए जरूरी नहीं है, यह जरूरी है नदी के अस्तित्व के लिए भी, नदी की उपयोगिता के लिए भी जरूरी है कि द्वीप का अस्तित्व जो है वो बना रहे। मतलब समाज के लिए भी जरूरी है कि व्यक्ति का भी अपना एक अस्तित्व बना रहे। द्वीप हम नहीं है, यह शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में, वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो। कहते हैं द्वीप हम नहीं है, हम द्वीप हैं, हम जो कहते हैं वो हम द्वीप हैं, मतलब हमारा एक अस्तित्व है, हम तुम्हारे लिए कोई श्राप नहीं है। ठीक, अक्सर देखो अज्ञेय के साथ निजी जीवन में भी ये हो रहा था कि चीजें जो है अज्ञेय के संग बार बार यह आरोप लगता है कि वह समाज को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या वह धारा में नहीं चल रहे हैं। जब आयोग प्रयोगवाद लेकर के प्रथम में आते हैं तो बहुत होता आयोग पे आरोप लगा कि वह एक अपना एक जो है जोन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारे आरोपों का बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब भी दिया है इसमें, और बोलते हैं कि भाई हम तो, अगर मेरा कोई व्यक्तित्व है तो यह समाज के लिए श्राप नहीं है, जिस प्रकार द्वीप होना नदी के लिए श्राप नहीं, बल्कि यह अपनी नियति है, ठीक, अपना भाग्य है जो कि नदी के लिए भी आवश्यक है। कहते हैं हम नदी के पुत्र हैं क्योंकि नदी से ही उत्पन्न हुए हैं ना, समाज से ही जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है और नदी की क्रोड में बैठा है, उसी के तो गोद में है, नदी ऐसे बह जा रही है तो उसी के गोद में तो ये द्वीप है ना। कहते हैं वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है, भूखंड से, ये जो भूखंड है पृथ्वी है उससे तो द्वीप मिल रहा है, और भूखंड को क्या वह अपना पितर मानते हैं, मतलब भूखंड ही नदी, ये द्वीप का पूर्वज है। ठीक, हमें पूर्वज से मिलाने का कार्य कौन कर रही है? नदी कर रही है। तो हम इसके लिए श्राप कैसे हो सकते हैं या हम इसके लिए बुरा कैसे चाह सकते हैं? और कहते हैं नदी तुम बहती चलो अपनी रो में। अब इनका यह भी कार्य नहीं है कि हम रोकें, मतलब व्यक्ति जो है वो समाज को रोक नहीं रहा है, समाज को अपने रोह में बहने दे रहा है। कहते हैं भूखंड जो दाएं हमको मिलता रहा, मतलब पूर्वजों से जो मुझे मिला है उसका हम कार्य करते रहेंगे, और तुम
जो नदी है तुम हमें मांझते रहो और समाज के संस्कार देते रहो। मांझते रहो क्या मतलब, नदी जो है वो धीरे धीरे आती है और भारी भारी जो कण लेकर के आती है इसी द्वीप में मिलाती है और अब बढ़ती जाती है। इस द्वीप का जो आकार भी बढ़ता रहता है और द्वीप को वह बनाती रहती है। उसी प्रकार जो समाज है ना वह भी बनाता रहता है एक व्यक्ति को। ठीक, तो मैं अहलाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से अतिचार से तुम बढ़ो प्लावन तुम्हारा घर घर आता उठे। कहते रहे तुम कभी खुशी में या कभी गुस्से में या कोई बहुत कि किसी के बुरे आचरण से अगर हो तो तुम बढ़ो तुम्हारा प्लावन तुम्हारा जो बहने का है तुम्हारा जो बाढ़ है। ठीक है, जल प्लावन मतलब बाढ़ एक प्रकार से आ जाना, वो बाढ़ बढ़ता रहेगा और स्रोत यह स्रोतस्वनी ही मतलब यह नदी ही कर्म नाशा कीर्ति नाशा घोर काल प्रवाहनी बन जाए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भाई, नदी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि नदी कभी खुद ना चाहे लेकिन कभी अतिरिक्त बाढ़ आ जाए, कभी कहीं पानी का स्रोता अधिक आ जाए, कभी हो सकता है कि किसी अन्य कारण से नदी का जो बढ़ना जो है वो अधिक हो जाए। ठीक है, किसी के स्वैराचार से किसी के अतिचार से, ये समाज पे भी बोल रहे हैं कि हो सकता है किसी व्यक्ति के गलत कार्य से या सही कार्य से या उत्साह में आकर के समाज जो है इतना ज्यादा फैल जाए या समाज कि व्यक्ति के अस्तित्व को ही खत्म कर दे, ऐसा हो सकता है। स्वर्तस्वनी कर्म नाशा जो कीर्ति जो कर्म का भी को खत्म कर दे और कीर्ति को भी खत्म कर दे, ऐसा भी हो सकता है। कर्मनाशा यहाँ पर आप जानते हो कि बिहार में एक नदी है कर्मनाशा। ठीक है, जो जब बढ़ती है जब अपने रौ पर आती है तो वह सभी को तहस नहस करते हुए आगे भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, बिहार में नहीं है, यूपी में, सॉरी बिहार में कोसी है नदी ऐसी, और कभी ऐसी प्रवाहनी बन जाए तो भी बोलते तो हमें स्वीकार है। उसी में रेत हो करके रहेंगे, फिर छनेंगे हम जमेंगे हम कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, माता उसे फिर संस्कार देना। यहाँ देखो अब ऐठन नहीं है, अपने अस्तित्व को पाने की चाह तो है व्यक्ति में व्यष्टि में, लेकिन अपने आप को बनाए रखने के लिए वह समाज को कभी बुरा नहीं होने दे रहे हैं। वो यह सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं कि कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी कि समाज के अंदर मुझे अपने व्यक्ति की पहचान को खत्म भी करना पड़ा तो मैं उसके लिए भी सहर्ष तैयार हूँ, लेकिन साथ में वह ये भी बोलते हैं कि फिर भविष्य में मैं अपने व्यक्तित्व को और गढ़ूंगा और बनाऊंगा और समाज से यह चाहते हैं कि समाज फिर मुझे पहले जैसा संस्कार देगा और मेरे व्यक्तित्व के अस्तित्व को भी स्वीकार करेगा। ठीक है, तो वह कहीं ना कहीं इस कविता में अज्ञेय व्यष्टि व्यक्ति और समाज के सामंजस्य पर जोर दे रहे हैं, कोई टकराहट नहीं है। जिस प्रकार का टकराहट अज्ञेय के समय में अज्ञेय को दिखाया जा रहा था उस प्रकार का टकराहट आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्कि सामंजस्य दिखाई पड़ता है एक दूसरे के प्रति। ठीक, ये अपनी कविताओं से बार बार अज्ञेय जो है वह पुष्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये छोटी सी कविता है इनकी मगर महत्वपूर्ण है। अब देखो अब बहुत से इसके लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, और ये पैर उखड़ेंगे प्लवन होंगे ढल जाएंगे ये भी लाइन जो है वो कविता में आ चुका है। ठीक, अब देखो स्रोतस्विनी का प्रयोग जो है वो नया है, हो सकता है यही लाइन उठा करके पूछ ले, हम द्वीप नहीं है, यह इस तरह की लाइन भी उठा करके पूछ लेता है, क्रम पूछ लेगा हो सकता है। ठीक है, तो अब जब तुम ये याद कर लोगे, भाव याद कर लोगे ना कि किस प्रकार से भाव चल रहा है कविता का, तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा याद करना। लेकिन अगर ये सोचने लगे कविता याद कर ले भाई, तब मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो आज हमने ये दो कविता पढ़े, क्या हुआ? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा समझाया मैम आपने, हम भी डूब गए थे आपके का शुक्रिया वंदना, डूबो नहीं पार हो जाओ। कविता का लीला का आशय यही है कि जितने डूबे सब पार भी हो गए, तो पार हो जाओ ये ज्यादा जरूरी है। जी मैम, आप इतने अच्छे से समझाया बहुत अच्छा लगा, मैम आप इतने अच्छे से पढ़ाया तो खो गई कविता में, ऐसा ही लग रहा था जैसे सब ये हो रहा है।
शुक्रिया। और ये अंकिता, मुझे लगता है इसका श्रेय आप अपने काव्य बिंब को जरूर दें, कि आपका जो बिंब है कविता का या फिर कहन का जो बिंब है ना, वो आपका बहुत स्ट्रांग है। हम जब कोई भी चीज समझते हैं तो पता है क्या समझते हैं ना, हम जब जितनी तेजी से समझते हैं उतनी तेजी से हमारे मस्तिष्क में बिंब बनते जाता है। ठीक है, मैंने बोला एक राजा था एक रानी थी, दोनों अपने महल में बैठे हुए थे, सामने एक सेनापति आया। मैंने इतना बोला, तुम्हारे दिमाग में पूरा बिंब स्केच बन गया होगा। ठीक है, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है किसी भी चीज को समझने में। और जब ये बिंब बनने में जब क्लिष्टता आती है ना, तो कविता समझने में मुश्किल होती है। कविता या कोई भी टेक्स्ट समझने में मुश्किल तभी हो जाती है। जैसे इस तरह के बिंब बनना मुक्तिबोध की कविताओं में कई बार थोड़ा टेढ़ा हो जाता है या भयावह हो जाता है। ठीक है, जैसे मुक्तिबोध का एक कथन है, मुझे याद है, मैं एमए में थी तब मैंने पढ़ा था कथन को। मुझे सीधा सीधा नहीं याद है, लेकिन मुक्तिबोध कहते हैं कि एक अंधेरा गहरी जगह है, वहां पे मैं नीचे जाता जा रहा हूँ, जाता जा रहा हूँ, और अंधेरी सी सीढ़ियां, अंधेरी पुरानी क्या कहते हैं, काली सी सीढ़ियां हैं। उस सीढ़ियों के नीचे जो नीचे की जो सीढ़ियां हैं वो पानी में है, उस पानी में कोई बैठा है। मैं उसके नजदीक जाकर देखता हूँ तो वो मैं हूँ। ये दृश्य, मतलब ये इसको अच्छे तरीके से मैंने उस तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे अजीब से, मतलब कहते एक रोंगटे से खड़े हो जाए, गूस बम आने लगते हैं। तो वो बिंब जितना क्लियर बनता है आपके मस्तिष्क में ना, वही आपको समझने में ज्यादा मजा करता है। और जो सॉरी मुक्तिबोध के बिंब है, इसी मायने में मुक्तिबोध शायद बहुत ही अलग लेवल के, उनकी जो बिंब है उनकी जो फैंटेसी है वो ज्यादा अलग है। वो जब मुक्तिबोध को पढ़ेंगे तो उसको भी समझेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। मैं फिर कहूंगी जो भी कविता आप पढ़ रहे हो ना, उसको अगर एक बार आप थोड़ा सा रीडिंग करके आओगे, पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर मुझे लगता है इस काव्य पाठ या फिर इस क्लास के बाद आपको दोबारा पढ़ना तो नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं अपने क्लास के बच्चों से भी कहती हूँ, ठीक है, जब हम एमए का क्लास लेते हैं, पीजी का क्लास लेते हैं, मैं वहां भी उनसे कहती हूँ कि ऐसा है कविता एक बार कुछ मत करके आओ, रीडिंग लगा के आओ बच्चों की तरह, बस और कुछ नहीं करना। तुमसे भी ये कहूंगी, आप सबसे भी, कि आप सब बस रीडिंग लगा करके आएंगे। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और बाबा बढ़ते रहो। ठीक, कोई पढ़ाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और एकदम जम के तैयारी करो। ठीक, बाकी कोई भी सहयोग चाहिए आप सबको तैयारी में तो हम यहाँ उपलब्ध है। आप 1-to-1 भी क्वेश्चन करते हो, देखो कितना भी व्यस्त समय रहे आप 1-to-1 भी क्वेश्चन करते हो तो मैं मेल में टाइम निकाल कर उसका जवाब देती हूँ। अब मैं मेल के जवाब देना शुरू करूंगी इतने अब इस रात के बाद। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हम ये सोचे मेरे पास टाइम नहीं है या मेरी प्रायोरिटी नहीं है या मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हर चीज आपकी जरूरत है, हर चीज आपकी प्रायोरिटी है, तो आप समझिए और उसको गंभीरता से लीजिए। पढ़ाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तैयारी करते रहो। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। ओके, नो पॉज।